नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंशित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुंशीराम सलालिया जी हैं। इन पर करंट कोविड सिचुएशन पर चर्चा करेंगे, इसके साथ ही कुछ अन्य मुद्दे भी इनसे डिस्कस करेंगे और जो जिला अस्पताल रियासी या फिर अन्य स्वास्थ्य केंद्र जो है उन पर जिस क्या सुविधाएं हैं या क्या कमियां हैं उन पर भी इनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मुंशीराम जी स्वागत है आपका रियासी अपडेट। मैं रियासी अपडेट के माध्यम से आज के इस दिन पर सबसे पहले जो खबर मिली है, आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर चमनलाल गुप्ता जी हमारे बीच में नहीं रहे। मैं अपने दिल की गहराइयों से कंडोलेंस कन्वे करता हूं और सभी उनके परिवार को और जो भी उनके नाते रिश्ते जो भी उनके संबंध थे, मैं उनके साथ अपने दिल से कंडोलेंस कन्वे करता हूं और परमात्मा से ये दुआ करता हूं कि सबको ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत बने और उन्होंने जो अपने दौर में अपनी पार्टी में रहते हुए जो कुछ भी किया है वो सराहनीय रहा है। और अपने वक्त में हर आदमी अच्छे काम करता है, उन्होंने भी अपने वक्त में अच्छे काम किए हैं। मैं आपके माध्यम से इस अफसोस की घड़ी में मैं उनके साथ हूं। इसी के साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आज रियासत जम्मू कश्मीर की, डिस्ट्रिक्ट रियासी की और हमारे देश की जो कोविड की हालत बनी है और इसमें जितने भी हमारे महान आत्माएं, हमारे नाते रिश्ते मित्र वाकफ जानकार नहीं जानकार जो हमें छोड़ के इस कोविड की वजह से चले गए हैं, मैं उनकी आत्मा के लिए उनकी शांति के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और सारे परिवारों को हिम्मत मिले कि इस सदमे को बर्दाश्त कर सके। आज पूरी दुनिया के अंदर हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा कोविड में परेशान है और इस दुख की घड़ी में ना कोई सियासत है ना कोई सियासी बात करने की ज़रूरत है। आज मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे देश को मिलके, बच्चे बच्चे को मिलके आज इस जंग के साथ हमें लड़ना है ताकि हम इस मुसीबत की घड़ी से हम आगे निकल सकें, तभी हमारे देश की आगे तरक्की हो सकती है और हमारे लोग इस मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। आज हमारे देश के अंदर हर जो भी एनजीओज हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी मिलके इसके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लोग भी जहाँ जहाँ पर भी हैं अपनी अपनी जगह के ऊपर काम कर रहे हैं। जहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में ही मैंने देखा कि बहुत अच्छे नौजवान बच्चे हैं, एनजीओज हैं जो राशन वगैरह भी सप्लाई कर रहे हैं, हर जगह पहुँचने की कोशिश भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कई जगह कमियाँ हैं। आपका मीडिया, आप लोग इन चीज़ों को कवर करते हो और फिर हमारे लोग और दूसरे लोग वहाँ पर वहाँ पहुँचते हैं, कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को लोगों की इस मुसीबत में मदद की जाए, लोगों तक पहुँचा जाए। मैं इस मौके पर कुछ चीज़ें सुजेस्ट करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि आज अगर ज़रूरत है तो ये है कि जैसे हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट वगैरह जाते हैं उनके साथ, कोई पेशेंट तो ज़्यादा सीरियस होता है, उनको पेशेंट के साथ अटेंडेंट्स एक दो चाहिए होता है, वो ठीक है, वो मान लेते हैं। लेकिन कई बार रूटीन में ओपीडी में भी कोई चेक करवाने जाता है, उसके साथ भी कोई दो पेशेंट अटेंडेंट चले जाते हैं। मैं सुजेस्ट करता हूँ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कि वहाँ पर गेट के ऊपर ही उसका टेस्ट का बंदोबस्त किया जाना चाहिए ताकि जो क्राउड है वो कम हो। क्योंकि हॉस्पिटल में जाने से क्या पता कौन इस चीज़ को कैरी करके जा रहा है, अगर वो गेट के ऊपर उसका टेस्ट स्टार्ट किया जाए उसके ऊपर हॉस्पिटल का जो क्राउड है वो थोड़ा कम हो सकता है। इसके साथ ही जो अटेंडेंट्स हैं, अगर कोई कोविड का पॉजिटिव पेशेंट अंदर है तो उसके साथ जो अटेंडेंट्स हैं
उनका बाहर आना अंदर जाना उनका भी प्रॉपर इंतज़ाम किया जाना चाहिए। ये नहीं कि फ्रीली अगर वो इधर उधर घूमेंगे अटेंडेंट्स तो वो ज़्यादा उससे बीमारी फैलने का डर है और उससे क्या है कि वो अपना कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने का ज़्यादा डर रहता है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि टेस्ट अगर किसी का पॉजिटिव आता है और वो होम आइसोलेट किया हुआ है उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉपर ध्यान रहना चाहिए ताकि वो इधर उधर ना जाएं। और कई जगह से हमें खबर मिली है कि पॉजिटिव होने के बाद भी उसका कोई प्रॉपर वो नहीं है कि वो होम आइसोलेट में है, वो कहीं बाहर जा रहा है, कहीं दूसरी जगह जा रहा है और उसके ऊपर जो प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं है, ये अमूमन देखा गया है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मेहरबानी करके जो टेस्ट में पॉजिटिव आता है उसमें प्रॉपर उसका ध्यान रखा जाए, उसको जो चीज़ की ज़रूरत है उसके घर में प्रोवाइड की जाए, उसको केयर किया जाए, अगर डॉक्टर की ज़रूरत है दवाई की ज़रूरत है उसको प्रॉपर वहाँ पर देखा जाना चाहिए, ना कि उसको अलाउ किया जाना चाहिए कि वो इधर उधर चला जाए। इसके अलावा अगर इन केस मैं एक सजेशन ये देना चाहता हूँ कि अगर किसी की डेथ हो जाती है और अगर वो डेथ के बाद पोस्टमार्टम नहीं सही तो उसका कोविड टेस्ट होना बड़ा जरूरी है। अगर कोविड टेस्ट हो जाएगा तो उससे बाकी फैमिलीज के ऊपर उसका फर्क पड़ता है, क्योंकि एक तो क्लियर हो जाता है कि इसकी डेथ कैसे हुई है और दूसरा कोविड का टेस्ट होने से उसका फिर जो दाह संस्कार वगैरह है जो लास्ट राइट्स हैं उसके वो प्रॉपर किए जा सकते हैं और केयर करके किया जा सकते हैं कि भाई कोविड का केयर लेना है या जैसे रूटीन में करते हैं उस तरह से। इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूं कि भाई उसका वो टेस्ट डेथ के बाद उसका टेस्ट करना लाजमी है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर मैं धन्यवाद करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन का कि इन्होंने अपना जो ऑक्सीजन का प्लांट है वो चालू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अभी जो उसमें कमियां हैं उनको ठीक कर देना चाहिए, जो जो इसको बेड्स हैं और बढ़ा देने चाहिए। ईश्वर की कृपा से हमें अच्छा मौका मिला है कि यहाँ पर अभी इस तरह की नौबत नहीं आई है, लेकिन क्या पता क्योंकि जो जिस तरह की आफत चल रही है ये किस तरह का चलेगा। मेरी जो इसमें सुजेशन है कि बेड्स की संख्या भी बढ़ाई जाए और इसके साथ साथ उनको ऑपरेट करने के लिए भी प्रॉपर मैनेजमेंट उसकी की जानी चाहिए ताकि ऑपरेशन उसकी ठीक रहे। इसके साथ साथ जो पेशेंट अंदर रहते हैं, पेशेंट्स को किसी वक्त एमरजेंसी पड़ती है तो कम से कम कॉल बेल्स पेशेंट्स के पास रहनी चाहिए कि जब वो कॉल करे तो उसको बुलाया कोई भी डॉक्टर को स्टाफ को बुलाया जा सके, ये मैं सजेस्ट करता हूँ। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से एक एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहता हूँ कि आज जो है ये टेस्ट जो हैं ये बढ़ाने चाहिए हमें। अगर हम टेस्ट नहीं बढ़ाएंगे तो बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि हालात जिस तरह के लग रहे हैं टेस्टों को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। गांव-गांव तक ये टेस्ट हो जाने चाहिए और जहां जहां पर भी इस तरह की कोई चीज़ आती है उसको होम क्वारंटाइन करने के लिए प्रॉपर बंदोबस्त किए जाने चाहिए। इसके साथ ही वैक्सीन की खबर आ रही है कि आज भी जैसे हॉस्पिटल के अंदर पता चला कि वहाँ पर भी लोगों को वेट करना पड़ा, तो एक तो ये जो मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन मिल जानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि 18 से ऊपर जितने भी लोग हैं वो सबको वैक्सीन और सेकंड डोज का जल्दी से जल्दी करना चाहिए, क्योंकि ये आज की तारीख में वैक्सीन नहीं मिलना और लोगों को जगह जगह वैक्सीन नहीं मिलने की वजह से परेशानी हो रही है। मेरी सजेशन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप इसको थोड़ा सा जरा एक्सपीडाइट करें और ताकि लोगों तक ये वैक्सीन पहुंच सके। इसके अलावा ये जो अपना जहां पर ई पासिस की बात करूंगा, मैं जनाब डीसी साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि भाई अगर किसी को कोई दिक्कत आती है
तो वो ई पासिस के लिए मेरे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। तो मैं जनाब डीसी साहब से प्रार्थना करूंगा कि अपना व्हाट्सएप नंबर तो कम से कम पब्लिक के पास रहना चाहिए, ताकि वो आपके पास अगर कोई किसी को ई पास लेने की दिक्कत आए तो सीधा आपके पास व्हाट्सएप कर दे। आपकी इस बात से मुझे एक बात बड़ी याद आई कि यहाँ पर मैडम थी दिल्ली रियासी में, आजकल उधमपुर में है, मुझे उनकी बाकी बातें क्या थी क्या नहीं मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक बात की मैं आज भी तारीफ करता हूं, उनके व्हाट्सएप पर या मैसेज पर कोई मैसेज लिख के अगर मैडम को हम भेजते तो 5 मिनट के अंदर अंदर उसका रिस्पांस जरूर आ जाता। ये हमें, ये मुझे उनकी जो वर्किंग है इस तरह की, ये बेहतरीन लगी। मैं तारीफ करता हूँ इस बात की, काम होना नहीं होना वो एक अलग बात है, अलग प्रोसेस है, लेकिन उनका जो इस तरह से सोशल मीडिया पर जवाब दे देना फटाफट, ये उनकी बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे रियासत के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर ही, रियासत के अंदर हमारे पास जो वर्कर्स हैं, वर्किंग क्लास है, क्योंकि मैं ट्रेड यूनियनिस्ट भी हूँ, वर्किंग क्लास है, आज वो परेशान है, उनके पास काम नहीं है, काम की वजह से आज वर्कर दर बदर हो रहा है, रोटी के लिए वह परेशान है, कहीं 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 माइग्रेंट वर्कर्स यहाँ पे हैं, दूसरी स्टेटों से वर्कर यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, उनके पास काम नहीं है। मैंने एज ए प्रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन की तरफ से मैंने चीफ ये जो अपना सेक्रेटरी हैं, अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कम सेक्रेटरी जे एंड के बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, इनको मैंने 16 तारीख को ये चिट्ठी लिखी है, ये मैंने उनको चिट्ठी लिखी है कि ये जो मंथली कम से कम इनको 3 महीने के लिए 5,000 के हिसाब से इनको जो ऑनरेरियम है, कोविड रिलीफ जो है, ये 5,000 के हिसाब से उनके खाते में डाला जाए। हालांकि इन्होंने कुछ ऑर्डर किया, अभी 1,000 रुपया महीने के हिसाब से जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उनको 1,000 रुपया महीने के हिसाब से डाल रहे हैं, इस महीने में कुछ इन्होंने डाले हैं, लेकिन ये 1,000 रुपये से आज के वक्त में मजदूर के पास क्या आएगा, 1,000 रुपये के साथ एक दिन का खाना नहीं मजदूर का बन सकता है। तो मैं आपके माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को और बोर्ड को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये 5,000 मिनिमम हर एक रजिस्टर्ड वर्कर्स के खाते में डाला जाए, और जो वर्कर रजिस्टर नहीं हो सका बोर्ड की वजह से, वर्कर ने अप्लाई कर दिया, ऑनलाइन कागज पड़े हुए हैं लेकिन अप्रूव नहीं हुए, उन सबके खाते में मैं डिमांड करता हूं, उन सबके खाते में जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दी है उन सबके खाते में 5,000 के हिसाब से पैसा डाला जाना चाहिए। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज एम्प्लाइज जो हैं, जितने भी चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, किसी भी दफ्तर के हैं, गवर्नमेंट ने जब ऑर्डर किया है कि एम्प्लाइज का रोस्टर बनाना चाहिए तो रोस्टर सिस्टम लागू करना चाहिए। और इसके अलावा एक चीज और कहना चाहूँगा कि अगर ऑफिसेज लॉकडाउन नहीं है, ऑफिसेज खुले हैं, तो जो ऑफिसेज खुले हैं, जो पब्लिक डीलिंग के ऑफिस हैं, वहां पर आने जाने के लिए भी लोगों को विद सम रिलैक्सेशंस, किसी का कोई काम होता है वहां काम करवाने जाना होता है, अब किसी को गांव से आके किसी पटवारी के पास नकल लेने जाना है, जहां किसी किसी और दफ्तर में जाना है, तो वहां कहां से ई पास बेचारा बनवाता रहेगा। मेरी प्रार्थना है कि लिबरल अप्रोच भी एडमिनिस्ट्रेशन को रखनी चाहिए। हाँ, जहां थिक पॉपुलेशन है वहां का ध्यान अलग से रखा जाए, गांव के लोग जो हैं उनका अलग से एडमिनिस्ट्रेशन की इंस्ट्रक्शंस उस तरीके से लागू की जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, स्टेट सरकार से, सेंट्रल सरकार से सबसे प्रार्थना करता हूं कि इस कोविड के साथ लड़ने के लिए सब मिलके इरिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी पॉलिटिक्स ऊपर उठ के इसके साथ लड़ाई लड़िए और इस चीज को जीतने के लिए काम मिलजुल के करें। धन्यवाद। मुंजीराम जी, एक सवाल ये भी है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की आज आप जो बात कर रहे हैं, तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में आपने बताया, जो कमियां हैं वो भी आपने बताई और कुछ अहम जो राय हैं वो भी आपने दी, लेकिन सवाल ये भी उठेगा कि एक विपक्ष की पार्टी के नेता होने के नाते कहीं ना कहीं आप लोगों को पहले ये मुद्दे उठाने चाहिए थे, ताकि इस पहले ही ये तमाम जो
स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जिला अस्पताल रियासी को या फिर जो भी केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है अलग अलग हिस्सों में, वहां पे ये सुविधाएं मिल जाती। आपको नहीं लगता कि जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं आप नहीं निभा पा रहे हैं? कांग्रेस कहीं भी नहीं दिख रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं दिख रहे हैं, जो अहम सवाल हैं जो अपोजिशन में बैठे नेताओं को उठाने चाहिए वो आप नहीं उठा रहे हैं। मैं आपकी इस बात के साथ पूरा मुत्तफिक तो नहीं हूँ। कांग्रेस ने हर जगह इस चीज़ को रेज किया है और कांग्रेस आज की तारीख में आप देखेंगे कि नेशनल लेवल के ऊपर पूरी कंपेन कमेटी बनाई गई है जिसमें ये कहा गया है कि कांग्रेस अपने इस वक्त पॉलिटिकल एजेंडाज को छोड़ के वो सीधा कोविड की हेल्प करने के लिए, कोविड के पेशेंट्स को, कोविड के अटेंडेंट्स को और देश की इस आपदा के साथ निपटने के लिए मेरे पास मैसेज आया है, सबके पास है, पूरे देश के अंदर ये मैसेज है कि आपको इस वक्त पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के इसके साथ काम करना है, मिलके काम करना है। जहाँ तक आपने सुविधा की बात की है, आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के अंदर जो कुछ भी है ये कांग्रेस की देन है, और ये आज आपके पास हॉस्पिटल है ये कांग्रेस की देन है। आज सीटी स्कैन मशीन अभी तक नहीं लग रही है, सारा बंदोबस्त किया हुआ। आज आपके पास ऑक्सीजन प्लांट अगर लगा है, ऑक्सीजन प्लांट का जो है ये आज का प्रपोजल नहीं है, ये तो लगाया है। और ये ठीक है कि पूरे दूर दराज इलाके में जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारा होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली इतना मौका नहीं मिला आज़ाद साहब को, वरना आज़ाद साहब ने आज अगर आज़ाद साहब और 6 महीने साल काट जाते तो आपकी रियासत का ही नक्शा अलग हुआ होता, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। और आज भी कांग्रेस का वर्कर इस मुसीबत की घड़ी में अपनी अपनी जगह पर पूरा काम कर रहा है। ई पास को लेकर जिला विकास आयुक्त ने कहा कि पास जारी हो रहे हैं, हालांकि बहुत से लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा, या फिर बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि किस तरह से अप्लाई किया जाए ई पास को, इंटरनेट एक्सेस करना कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को नहीं आता है। क्या आपको ई पास बनाना आता है या फिर आपको क्या लगता है कि आपकी जो उम्र के लोग होंगे या बुजुर्ग लोग होंगे वो ई पास अप्लाई कर पाएंगे, और क्या ये एक सही तरीका आप मानते हैं या फिर कुछ और अल्टरनेट भी मिलना चाहिए था? मैं बिल्कुल आपकी इस बात के साथ सहमत हूँ। ये ई पास के लिए अप्लाई करना कम से कम जो 50 साल से छोड़कर 40 से भी ऊपर हैं उनके बस का काम नहीं है। ये नई जनरेशन तो ई पास के लिए अप्लाई कर सकती है। मैंने पहले ही अपनी बातों में ये कहा कि ये पर्टिकुलरली गांव के लिए तो पर्टिकुलरली मैं ये कहूँगा, शहर में तो कम से कम ये है कि कोई आदमी किसी दूसरे के पास जाके अप्रोच करेगा तो अप्लाई करवा देगा, लेकिन गांव में तो इवन नेट तक नहीं है, अगर होगा भी तो आता ही किसी को नहीं है। मैं अपनी बात करता हूँ, आज मैं 70 ईयर्स के पास होने वाला हूँ, मैं तो अप्लाई नहीं कर सकता। मुझे अगर अप्लाई करना तो मुझे किसी दूसरे को कहना पड़ेगा भाई मेरे लिए ये पास अप्लाई कर दो, मैंने वहाँ जाना है, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूं कि दस्ती एप्लीकेशन ले लो जो हाथों से लिखी हुई, उसके ऊपर ई पास इशू कर दो जहां जाना, ये मैं तो ये सजेस्ट करूंगा। ये ई पास हर आदमी के बस का काम नहीं है जी। इसके साथ ही क्या लगता है आपको, जो वैक्सीनेशन की परसेंटेज अभी तक होनी चाहिए थी वो हो रही है, गति जो है वो सही है? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हमारे जिले में वैक्सीनेशन जितनी होनी चाहिए थी नहीं हुई है एज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स, और इसके साथ ही टेस्टिंग जितनी होनी चाहिए क्या आप मानते हैं कि उतनी टेस्टिंग हो रही है, और जिस तरह से कोई पॉजिटिव केस सामने आता है उसके बाद ट्रेसिंग जो होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग या फिर ट्रैकिंग, वो हो रही है या कहीं ना कहीं वहाँ पर कमियाँ देखी जा रही हैं जिससे कि केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं? एक तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी वैक्सीनेशन होनी चाहिए थी वो नहीं है, वो कम है। हार्डली ये जो सराउंडिंग के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सराउंडिंग के आसपास थोड़ी बहुत हुई है, बाकी अभी ज़्यादा नहीं हुई है, अभी बहुत कमी है। इसमें परसेंटेज अच्छी है, यहाँ पर परसेंटेज ठीक है, लेकिन सराउंडिंग में ही मैं ये कह रहा हूँ, बाहर नहीं है, गाँव में बहुत कम है, इसलिए ये गाँव में ले जाना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जहाँ तक ये जो आपका अपना वैक्सीन देने की बात है, इसको गांव-गांव तक जब तक नहीं पहुँचाएंगे तो तब तक बात बनने वाली नहीं है। जो हमने देखा है कि पॉजिटिव केस आने के बाद जिस तरह से ट्रेसिंग होनी चाहिए कि वो पॉजिटिव इंसान
किस किस के कांटेक्ट में आया है, उनके भी टेस्ट होने चाहिए या फिर उन्हें घर बैठने के लिए बोलना चाहिए? क्या लगता है, वहां पर काम सही से हो पा रहे हैं या कमियां हैं वहां पे? इसमें मेरी सुजेशन है, मैंने पहले भी बात इसलिए अपने बातों में यही कहा कि ये जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तो छोड़ दो, जो पॉजिटिव आए हैं वो भी घूम रहे हैं। मैंने इसलिए ये सुजेस्ट किया एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो पॉजिटिव आते हैं और होम क्वारंटाइन करना है उनके ऊपर प्रॉपर नजर रखें और उनके कॉन्टैक्ट ट्रेस करने की बात करें। जब तक वो कॉन्टैक्ट ट्रेस नहीं होंगे तो ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता रहेगा, ये बढ़ जाएगा। पिछली बार कोविड में गांव में नहीं पहुंचा, लेकिन इस बार तो घर घर जाके पहुंच गया। ये बहुत ही चिंता का विषय है। होम आइसोलेशन किया जाता है, फिर कहीं ना कहीं सब पर नजर रखना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। क्या कोविड केयर सेंटर में भी लोगों को भेजा जाना चाहिए जो पॉजिटिव आते हैं? नहीं, कोविड कई जगह पे ये देखा जाता है कि घर पे एक ही बाथरूम है, कमरे भी ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं फैमिली वालों को भी संक्रमित होने का, फैमिली वालों का भी खतरा रहता है। देखिए, जहां पर इस तरह की कोई सिचुएशन है, यहां पर अपने घर में आइसोलेट पेशेंट को नहीं किया जा सकता है, उनके लिए कोई एरिया आइडेंटिफाई जरूर करना चाहिए, ये मैं सुजेस्ट करूंगा। क्योंकि बहुत सारे घरों में नहीं है, सेपरेट बाथरूम नहीं, सेपरेट कमरा नहीं। अगर कोई बदकिस्मती से ऐसा कोई पेशेंट पॉजिटिव आ जाता है, उनके लिए कोई एरिया आइडेंटिफाई करके और उनका फिर रहने का, उनका अटेंडेंस का, उनका खाने का, उनका बाकी बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। वो तो सारा इंतजाम करने का पड़ेगा। फिर ऐसे तो हो नहीं सकता कि उनको आप कहीं पर छोड़ दोगे और उनका फिर ख्याल नहीं रखोगे। बाकी जिनके पास ये सुविधा है तो वहाँ पर उनका जो है वो प्रॉपर केयर करना चाहिए और उनको आइसोलेट का मतलब आइसोलेट, वो घर से बाहर ना निकले और उनके उल्टे वो भी ट्रेस करो कि ये किन किन के साथ मिले हैं, ये मैं कहना चाहूंगा। एंट्री पॉइंट्स जितने भी हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से, वहां पर कोविड टेस्टिंग की बात हुई है और कुछ स्थानों पर कोविड टेस्टिंग शुरू भी कर दी गई है, क्या सही फैसला है? जैसे ही कोई एंटर करेगा डिस्ट्रिक्ट में उसकी कोविड टेस्टिंग होगी। ये बहुत अच्छा है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंट्री पॉइंट्स के ऊपर इन्होंने जो शुरू कर दिया है तो बहुत अच्छा है, जहाँ नहीं हुआ तो कर देना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। क्या संदेश रहेगा एसओपीज को लेकर और टेस्टिंग और वैक्सीन को लेकर, क्योंकि देखा जा रहा है कि हमारा जिला कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन में अभी भी पीछे है और रविवार को जिला अस्पताल रियासी में भी टेस्टिंग ऐसा देखा गया है कि नहीं हो रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे प्रशासन से और तमाम लोगों से, एसओपीज को लेकर क्या संदेश रहेगा आपका? मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी के और सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि एसओपीज का पूरा ध्यान रखें। हॉस्पिटल में अगर किसी को जाना भी पड़ता है तो वो इस तरीके से जाए कि वहाँ पर वही ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें, और टेस्टिंग के जो पॉइंट हैं वो टेस्टिंग करवाने के लिए अगर कोई जाता है तो वहाँ से कुछ लेके ना आए। मेरी ये प्रार्थना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से, कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि वहाँ पर भीड़ भाड़ ना करें और पूरा सैनिटाइजेशन के तरीके से जो आदमी वहाँ पर जाए उसको प्रॉपर उसका अगर टेस्ट करने का वहाँ पर तरीका बनता है वो बनाओ। ये नहीं कि वहाँ पर भीड़ इकट्ठी कर दी जाए और उल्टा जो खाली गया वो कुछ लेके वापस आए। मेरी प्रार्थना है कि एंट्री पॉइंट के ऊपर ही इसका शुरुआत कर देनी चाहिए ताकि उससे भीड़ भी कम होगी और साथ में टेस्ट भी ठीक होगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू वेरी मच। तो मुंशीराम सलालिया जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के, कई अहम सवाल उठाए हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि जहां पर भी टेस्टिंग पॉइंट्स हैं वहां पर पूरी चीजों का ध्यान रखा जाए, सभी प्रिकॉशन जो हैं वो अपनाए जाएं, ताकि अगर एक स्वस्थ आदमी वहां पर जाता है तो कहीं ना कहीं वहां पर उसके संक्रमित होने का खतरा ना बने। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को, उम्मीद करते हैं कि जो सवाल इन्होंने उठाए हैं और जो सुजेशन दिए हैं कहीं ना कहीं प्रशासन उन पर अमल करेगा। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।